टारगेट ऑडियंस का परेशान होना है कि लेदर से भी टेम्पलेट है वो आपको इसी में दे देते हैं, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। स्टेप थ्री है हमारे पास रिसर्च कम्पीटिंग वेबसाइट्स। जो अच्छा वेबसाइट कंटेंट है इसके बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि हमने देखना है कि वो हमारे कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं, वो किस किस्म का कंटेंट बना रहे हैं, उनके कंटेंट के थीम्स क्या हैं, याद है ये बात हमने की थी। सो आपने देखना है कि आपके जो विजिटर हैं वो उनकी वेबसाइट्स पे भी जा रहे हैं, है ना, तो वो उनका कंटेंट भी पढ़ रहे हैं, उनकी चीज़ें भी देख रहे हैं, उनकी ऑफर भी देख रहे हैं। सो आप जाने कि उधर वो क्या पढ़ रहे हैं, किस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, सो दैट आप भी उसका कोई सोल्यूशन या उससे बेहतर सोल्यूशन दे सकते हो। आपको पता चलेगा इंडस्ट्री ट्रेंड्स क्या हैं, क्या आपको शिफ्ट करना चाहिए स्ट्रेटजी में, क्या ऐसी नई टैक्टिक या स्ट्रेटजी करनी चाहिए। कंपेटिटर डाटा आप अपने लिए एक बेंचमार्क भी रख सकते हैं कि यार वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मैंने इधर तक आना है। चेक करें कि उनको कहाँ से बैकलिंक्स मिल रहे हैं, कहाँ से क्या कीवर्ड्स के लिए वो रैंक कर रहे हैं, किन कीवर्ड्स के लिए वो रैंक कर रहे हैं, ठीक है। ये भी हम देखेंगे कीवर्ड रिसर्च और बैकलिंक्स चेक करें। सो इस तरह आपको नए टॉपिक्स भी मिल सकते हैं, आपको पता भी चल सकता है कि आपने कहाँ पे काम करना है, सही है। तो अब हम इस स्टेप पे आ गए हैं कि मेरे कंपेटिटर्स कौन हैं और वो किन कीवर्ड्स के लिए रैंक करें, उनको बैकलिंक्स कहाँ से मिल रहे हैं और ये सब, ठीक है। अभी हम करते हैं कंपेटिटर रिसर्च, हमने करनी है बाय गोइंग यूजिंग डिफरेंट टूल्स। आई होप कि मेरी स्क्रीन आपको सही नज़र आ रही है, वो नेक्स्ट वीडियोस में आपको बताना ही है चूंकि कि वो कीवर्ड रिसर्च कैसे होती है, सो विल डू इन दैट। अभी के लिए ये मैंने कुछ निकाल के रखे हुए हैं, वो टूल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो अभी के लिए वी हैव poems.com, poetryfoundation, poems.org। ये जब मैंने अपनी वेबसाइट का कंटेंट था उर्दू पोइट्री जो मेरा सब्जेक्ट था, जब मैं उसको डालती हूँ गूगल कीवर्ड टूल में या ऊबर सजेस्ट में या अलेक्सा में और बाकी टूल्स में, तो मुझे जो रिजल्ट्स मिलते हैं वहाँ से मैंने ये चीज़ें फेच की कि मेरे कंपेटिटर्स हैं poems.com, poetryfoundation, poems.org और क्या उनके मेन कीवर्ड्स हैं, किन कीवर्ड्स के लिए वो रैंक कर रहे हैं पोइट्री और पोइट्स के लिए, कौन उन्हें बैकलिंक्स दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ई कमिन की एक साइट थी, वो उनको बैकलिंक दे रही थी, या मैंने आइडेंटिफाई किया कि इस साइट से उनको बैकलिंक मिल रहा है और यहाँ पे क्यों इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो मैं यहाँ पे अपडेट करूँ, ठीक है। सो ये कंपेटिटर रिसर्च में इस तरह की चीज़ हमने देखनी है, क्या कंटेंट पड़ा हुआ है वहाँ पे, क्या हेडिंग्स उन्होंने इस्तेमाल की हुई हैं, उनके USPs क्या हैं, क्या वो ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। सो ये कंपेटिटर रिसर्च में हमने सब कुछ देखना है कि मैंने ये फिगर आउट किया कि वो ये सब ऑफर कर रहे थे। मैगजीन का उन्होंने हेडिंग बनाया हुआ था, सब्सक्राइब की हेडिंग बनाई हुई थी, पोइट्री इज़ लव, पोइट्री इज़ आर्ट, इस तरह की चीज़ें वहाँ पे शेयर हुई हुई थी, ठीक है। मैंने जब ये रिसर्च की तो मेरे पास ये रिजल्ट्स आए और मैंने ये उन वेबसाइट्स पे ऑब्जर्व किया। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर कि वो कैसे लिखना है हमने। फिर हमने स्टेप फोर पे आ जाते हैं कि हमने अब प्लान करना है, जब हमें पता चल गया कि हमारे कंपेटिटर्स कौन हैं और वो किस तरह हमसे डिफरेंट हैं। फिर हम आगे स्टेप फोर के ऊपर कि आपका वेबसाइट पे कंटेंट आएगा किस तरह, ठीक है। ईच प्ले पेज, क्या पेजेस होंगे, टोटल नंबर ऑफ, ईच पेज पे क्या जाएगा, ईच पेज तक लोग कैसे पहुंचेंगे, वो बात याद है ना, 3 clicks अवे होना चाहिए मेन पेज नेविगेशन से, इससे ज़्यादा नहीं, अब तो 2 clicks बेहतर है, 1 click पे होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम 3 clicks, इससे ज़्यादा नहीं। सो डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस टाइप्स होते हैं वेबसाइट कंटेंट के, सो हमने देखना है कि अब हम किस किस्म का वेबसाइट कंटेंट बनाएंगे, उसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी, ये हमें कैसे पता चलेगा, जब हम कंपेटिटर रिसर्च करेंगे डिफरेंट वेबसाइट्स को विजिट करेंगे तो वी विल फिगर आउट कि उन्होंने क्या बनाया है, हमारी इंडस्ट्री में लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट रैंक कर रहा है या शॉर्ट फॉर्म कॉन्टेंट रैंक कर रहा है। जैसे मैंने देखा कि उनका मैगजीन सब्सक्राइब ये वाले एरिया से उनको काफ़ी ट्रैफिक जनरेट हो रही है, क्या कंटेंट उन्होंने बनाने, क्या हेडिंग्स बनाने, सो इस तरह हमने भी अपने कंपेटिटर्स की वेबसाइट को देखना है, अपनी ऑडियंस को देखना है और डिसाइड करना है, अपने गोल्स को देखना है और डिसाइड करना है कि हम लॉन्ग फॉर्म कॉन्टेंट बना रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं, लैंडिंग पेज बना रहे हैं, ब्लर्ब्स हैं उसमें, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हैं, किस किस्म की चीज़ें, छोटे छोटे टेक्स्ट बॉक्सेज हमने डाले हैं, सो वो हमने डिसाइड करना है।